तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम, अगर आप लोगों ने लेक्चर पढ़े होंगे तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ऐसा आप लोगों का ये पहला लाइव लेक्चर है। तो जाहिर सी बात है, ये इंट्रोडक्शन तो बनता है मेरा। मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी दौसा से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस के आप लोगों के रिजल्ट आ गए। हालांकि आप लोग सब लोग, मैं कह सकता हूँ कि लकी हैं, क्योंकि एग्जाम होना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे आप लोगों की जो भी हेजिटेशन होती है एग्जाम में, परफॉर्मेंस या लाइफ में जो भी परफॉर्मेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पर चलिए, कोई बात नहीं, ये वक्त ही ऐसा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी निकल जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का थर्ड ईयर का है, स्टूडेंट थर्ड ईयर का 305 फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज ही मैंने सुबह 8 लेक्चर अपलोड किए थे, मतलब 8वां लेक्चर अपलोड हो चुका है सिग्नल फ्लो ग्राफ तक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ तक हो चुका है, अब इसका एक लाइव मतलब बोर्ड लेक्चर बाकी है, क्योंकि आखिरी के कुछ प्रेजेंटेशन में इशू हो गए थे जो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे साइड से प्रॉब्लम हुई, मतलब इक्वेशन में दिक्कत आ गई, उसको देख लेंगे। उससे पहले कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ने लगभग लगभग लेक्चर देख लिए होंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एक दो स्टूडेंट्स के मेरे पास में क्वेश्चन के रिलेटेड चीज़ें भी आई थी कि सर, मतलब जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम, जैसे प्रेजेंटेशन में ब्लॉक डायग्राम का दिखाया था कि ब्लॉक डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है, और इसके अलावा किस किस तरीके की चीज़ें को हमें मतलब सॉल्व करते हुए चलना है, ब्लॉक डायग्राम को कैसे रिड्यूस करना है, और किस तरीके से हम इन चीज़ों को मतलब सॉल्व करते हैं, और फाइनली कंट्रोल सिस्टम में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वैसे आज की डेट में आप लोगों का यूनिट 1 पूरी हो चुकी है, एक लेक्चर को छोड़ के। अगली हम यूनिट टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखेंगे, और फिर हम यूनिट 2 पाएंगे, मतलब पहले मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, आज हमारी क्योंकि पहली क्लास है, तो मैं आपको जो पुराना जो कराया है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसका मेरे पीपीटी उसका तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, वो आप देख सकते हैं, और आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और ये क्योंकि पहला लेक्चर है, ठीक है। और अभी 11:02 हो गए हैं, मैंने 15 मिनट का ज्वाइनिंग टाइम रखा था, बट आप लोगों की अब जैसे बीच बीच में बार बार आ रही है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, 15 मिनट के टाइम पीरियड में ध्यान रखें, क्योंकि बार बार आप बहुत से मतलब लोगों के मतलब ज्वाइनिंग का आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। अविनाश शर्मा, आप अपना ये, हाँ, प्रेजेंट का मतलब क्लिक नहीं कीजिए कोई भी स्टूडेंट्स, और आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे माइक ऑन ना करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ पीपीटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उससे रिलेटेड फंडामेंटल्स, और फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इनसे रिलेटेड हम देखते हैं। तो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, वो ये है कि आप कंट्रोल सिस्टम का फंडामेंटल समझ पाएंगे, फिर कंपैरिजन आ जाएगा कि ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, और उसके डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव, मतलब किसी भी सिस्टम को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हम एक बेहतर से बेहतर सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम हम अचीव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इस एक्टिविटी को रहने देते हैं अभी, क्योंकि नहीं तो फिर पोच पोच हो जाएगी कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। मैं खुद ही शुरुआत करता हूँ आगे से। कंट्रोल सिस्टम का आप जैसे कि देख रहे हैं कि सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, सिस्टम बस हमारे इस यूनिवर्स यानी हमारे इस ब्रह्मांड का पार्ट है, जो कि कुछ भी इनपुट लेता है और वो किसी मतलब पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसके इंटरनल से गुजरता है और फाइनली आउटपुट देता है। अगर अब हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ें, तो जैसे कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम में शो हो रहा है कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने कोई एक इनपुट स्टिमुलस या डिजायर्ड रिस्पॉन्स लिया, यानी हम जो चाह रहे हैं हमने वैसा कुछ इनपुट दिया, और हमारा जो आउटपुट है, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है, उस पर्टिकुलर सिस्टम से गुजर के आएगा। दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोल सिस्टम। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम, यानी ये तो मैंने एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया, इसके अंदर हो सकता है छोटे छोटे सिस्टम और भी हों, छोटे छोटे ब्लॉक्स और भी हों, उसको हम मतलब मिला करके भी हम एक कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं, या सिंपली सिस्टम से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये वर्ड कंट्रोल, सिस्टम तो ठीक है, हमने इनपुट दिया और आउटपुट दिया, कंट्रोल कैसे आता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान के चलिए, जैसे अभी गर्मी का मतलब, अभी तो ठीक है बारिश हो रही है, अभी जैसे गर्मी का मौसम गया,
गर्मी के मौसम में हमने बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है किसी कमरे में, वो एक कमरा हमारा एक सिस्टम हो गया, उसके अंदर हमने एसी फिट कर दिया। अब एसी फिट कर दिया ठीक है, हमें इनपुट चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब हमने करंट दे दिया वोल्टेज की सहायता से। आउटपुट हमें मिल रहा है मैकेनिकल के फॉर्म में एयर, यानी हमें चिल एयर मिल रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हो सकता है मे बी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना ठंड लगना शुरू हो जाए उस एसी की वजह से, तो वो सिस्टम हमारा बेहतर सिस्टम नहीं है, वो दरअसल हमारा ओपन लूप सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिंपली इनपुट दिया और आउटपुट लिया। अगर हमें उस सिस्टम को कंट्रोल करना है, जैसे कि हमें कुछ फीडबैक देना है, या हम टेम्परेचर सेंसर लगा सकते हैं, या मतलब हम कोई दूसरी चीज़ कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हमारे सिस्टम का आउटपुट बेहतर हो पाए, तो वो हमारा सिंपली कंट्रोल सिस्टम होता है। अब जो इसका ये जो तीसरा पॉइंट है, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, अ कंट्रोल सिस्टम इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ सिस्टम, यानी इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी उसमें हो सकता है कंपोनेंट या कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि एक सिस्टम को बनाते हैं, दैट वुड प्रोवाइड अ डिजायर्ड आउटपुट। जैसा कि मैं आपको कहा, जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया, इन रिस्पांस टू द इनपुट सिग्नल्स। तो ये हमारा कुछ कंट्रोल सिस्टम का होता है। अब बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आजकल की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। पहले की वॉशिंग मशीन में आपका क्या था, सिंपल आपको अपने से मैनुअली वर्क करना पड़ रहा था, और काफ़ी चीज़ें मतलब जैसे कपड़े के अलग अलग टाइप था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ता था, पानी का यूज़ करना पड़ता था। आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं कि सपोज़ अगर आपका जैसे सपोज़ कॉटन का मतलब कपड़ा है, या बेडिंग है, या बल्की कपड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पानी लेता है। तो इससे हमारा सिस्टम कैसे इम्प्रूव हुआ, एक तो पानी की वेस्टेज कम हुई, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उसके अकॉर्डिंग होता है, मोटर का मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है, पानी ऑटोमेटिक अंदर गर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब हमारी सारी चीज़ें सेट हो गई। तो ये सब हमारा कंट्रोल सिस्टम है। मतलब और भी कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप किसी और कोई इंडस्ट्री की बात करें या ऑटोमेशन की बात करें, तो मतलब हर जगह कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा रोल है। तो हम आगे देखते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने अभी क्लियर कर दिया, कंट्रोल और रेगुलेट द आउटपुट, यानी जो भी हमारा आउटपुट है उसको हमें कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब या चेंज करना है कुछ ऐसे प्रोसेस से, मतलब जिसकी हम वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं। और दूसरा है मेक द प्रोसेस आउटपुट फॉलो अ पर्टिकुलर चेंजिंग फॉर्म, यानी उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज करें। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है। अब कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं हम देख लेते हैं। जैसा कि अगर अभी तक तो आप समझ गए होंगे, दो एग्जांपल से मैंने क्लियर किया। वी बिल्ड कंट्रोल सिस्टम फॉर फोर प्राइमरी रीजन, यानी चार कारणों से बनाया जाता है। एक तो पावर एम्पलीफिकेशन, जैसे हमारा एग्जांपल हुआ जैसे रडार एंटीना पोजिशन में। अब रडार जैसे आपके मिलिट्री एप्लीकेशन में आता है ये, वहाँ पर आप सपोज जैसे कोई आपका जैसे कोई दुश्मन का अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमें इसकी टेस्टिंग करनी होती है, तो वहाँ पर इसका एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस में ये काम में लिया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल हुआ, जैसे कि आपका रोबोटिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एसी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस, और अगर जैसे कोई डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, यानी सपोज मान के चलिए आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों का अगर कोई फीडबैक चल रहा है, जैसे मान के चलिए कोई भी विंड या कोई भी मतलब हवा है उसके कारण एंटीना की पोजीशन ख़राब हो गई है, तो ऐसा फीडबैक जो कि ऑटोमेटिकली मशीन में थोड़ा सा मतलब पोर्शन जा रहा है ताकि उसकी पोजीशन को वो ऑटोमेटिकली चेंज करता रहे, तो ये भी हमारा मतलब एक कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और मैं अगर आपको बात करूँ, तो सपोज़ आप हाईवे पर कार ड्राइव कर रहे हैं, तो ये मतलब एक आपका नेचुरल फीडबैक मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, और कार ड्राइव करते टाइम आपके सामने सपोज कोई ब्रेकर आ रहा है, या कोई पर्सन आ रहा है, या फिर कोई दूसरी कार, या कोई मतलब ऐसा बैरियर है जिसके कारण आप लोगों को मतलब कार को स्टॉप करना पड़ रहा है या उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के जैसा फीडबैक हुआ, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसके कारण मतलब जिसकी वजह से मतलब हम लोग हमारे मतलब अचीवमेंट को बेहतर कर पा रहे हैं, वो हमारा कंट्रोल सिस्टम है। अगर अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके मतलब सिंपल अगर 2 मार्क्स 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहता है कि सपोज जैसे नोड क्या हुआ, ब्लॉक्स क्या हुआ, या फिर सिंपल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई, या ओपन लूप सिस्टम जो भी हम आगे देखेंगे, क्लोज लूप सिस्टम देखने वाले आगे, वो क्या हुआ। और इन एडिशन वी कैन मूव लार्ज इक्विपमेंट विद प्रिसीशन। जाहिर सी बात है अगर जैसे हम इंडस्ट्री ऑटोमेशन की बात करें, तो बहुत बड़ी बड़ी अगर मशीनरीज लगी हुई है, तो उनका हम जो रिजल्ट है बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज ले सकते हैं। पॉइंट ह्यूज एंटीनास टुवर्ड द
farthest reach of universe to pick up the faint radio signals, जो कि control system का है, ये भी एक space की application है। अब हम आगे देखते हैं control system का एक example। Suppose देखिए, ये एक student teacher learning process है, यानी desired knowledge तो आपके मतलब है, जो कि मतलब मेरे द्वारा सपोज मान के चलिए एक चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अब ये एरर क्या है इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोलर टीचर यानी मैं बैठा हूँ, अब मैंने लेक्चर देना डिलीवर किया, स्टूडेंट यानी वो भी इस मतलब सिस्टम का पार्ट है, उसने प्रोसेस क्या किया मतलब स्टूडेंट को तो मैंने इनपुट दिया यहाँ से, और फाइनली स्टूडेंट आउटपुट देगा अपने नॉलेज के फॉर्म में। अब उसकी नॉलेज चेक कैसे होगी, एग्जाम के थ्रू। मतलब एग्जाम क्या है, फीडबैक, यानी हम जैसे बताते हैं कि मतलब स्टूडेंट पास हो रहा है, किसी के 70% आ रहे हैं, किसी के 65% आ रहे हैं, उसी से तो उसका मतलब एक तरीके से जैसे देखा जाए तो जजमेंटल है। तो मेजरमेंट हुआ उसके एग्जाम का, फिर जो मेजर नॉलेज आई यानी डिजायर्ड, यानी सपोज मान के चलिए 100 मार्क्स का दिया और उसने उसकी जो मेजर नॉलेज के अकॉर्डिंग उसने 70 नंबर का दिया, तो एरर कितनी आई, 30 की। कहने का मतलब 30 की है तो फिर टीचर को क्या करना पड़ेगा उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, हो सकता है उसके दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लगाए या उसको कोई ढंग से पढ़ाए ताकि स्टूडेंट और ढंग से चीज़ों को गेन कर पाए। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारे एक कंट्रोल सिस्टम का, यानी अब आप इसको मशीन के फॉर्म में समझें तो कोई कंट्रोलर है कोई प्लांट के अंदर या कोई इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर मतलब वो प्रोसेस हो रहा है, फिर देखा कि उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी मेजरमेंट का तरीका होगा, फिर देखा कि एरर देखा तो कितनी एरर है, अगर एरर जीरो तो ठीक है चलता रहेगा, और अगर एरर कुछ है तो उसी के अकॉर्डिंग अप या डाउन होगा। तो और एग्जांपल देख लेते हैं आगे, ये आप देख लीजिए मॉडर्न शिप का एक एग्जांपल है, शिप स्टीयरिंग सिस्टम, यानी अगर सपोज समुद्र में कोई शिप चल रही है तो उसका जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं, जो यॉइंग एंगल है उसको कितना मूवमेंट लेना आगे समुद्र में, तो वो कंट्रोलर तो हुआ उसका एक तरीके से स्टीयरिंग आप बोलते हैं। अब जो स्टीयरिंग को आप घुमाएगा वो स्टीयरिंग सिस्टम के थ्रू होते हुए वो मतलब जो ड्राइवर है वहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी शिप का जो ड्राइवर है वो देखेगा कि कितने एंगल से मूव हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो उस हिसाब से एरर उसके मतलब उसके ब्रेन में ही उसकी आईज में जाएगी, और फिर उसको जितना मूव करना था एंगल को उस हिसाब से वो चेंज करेगा, यानी कंट्रोलर में फिर चेंजेस आएंगे, शिप स्टीयरिंग सिस्टम में जाएगा और फाइनली आउटपुट देखेगा। तो ये हमारे दरअसल क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल चल रहे हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप थिकनेस का, थिकनेस में किस तरीके से मतलब सपोज कोई स्टील प्लेट की थिकनेस है, उस थिकनेस कितनी डिजायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये मतलब जो सिस्टम है वो आउटपुट देगा। ये एक एयरक्राफ्ट विंड कंट्रोल सिस्टम है जिसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट रडार ट्रैकिंग कंट्रोल सिस्टम का भी है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पावर एम्पलीफायर जो मैं बता रहा था, ये आपका रडार एंटीना है और ये एयरप्लेन है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये सारे सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव हो रहे हैं, और फाइनली जो एक्चुएटिंग सिग्नल मतलब जो जा रहा है फीडबैक में उसी के अकॉर्डिंग एम्पलीफाई होकर के मतलब उसको सिग्नल को कम करना है ज़्यादा करना है मतलब वो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। तो ओवरऑल अभी हमने 5 एग्जाम्पल देखे, उन 5 एग्जाम्पल में आपको क्लियर हुआ होगा कि कंट्रोल सिस्टम तो लगभग देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ में हर जगह ही काम में आ रहा है, चाहे भले एक छोटी सी एप्लीकेशन हो या बड़ी से बड़ी हम कह सकते हैं मिलिट्री लेवल की एप्लीकेशन हो, हर जगह कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही बेहतर यूज है। अब रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपके यूनिट 2 में है, तो ये इनपुट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या एरर, ये सब हम बाद में देखेंगे। एक स्टूडेंट और है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूं। अब हम देख लेते हैं एक बार ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहला जो हमारा एग्जांपल है ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें आप देख रहे हैं दरअसल ओपन लूप और क्लोज लूप में एक बेसिक सीधा सीधा डिफरेंस ये है कि सर ओपन लूप में तो आपका कोई फीडबैक नहीं होता, सिंपली हमने इनपुट दिया, हो सकता है उसमें एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हो सकते हैं। क्लोज लूप में वही सेम एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हो सकते हैं, होते ही हैं, बस उसके अंदर एक फीडबैक होता है। फीडबैक से आपका क्या होता है, जो आप इनपुट देते हैं लगभग आप उसके क्लोज हो पाते हैं,
और ओपन लूप में ये होता है कि आपने सिंपली इनपुट दिया और आपने आउटपुट अचीव कर लिया। अब ओपन लूप का फायदा ये होता है कि सिस्टम का सेटअप करना, एक बार सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद में वो ईजी होता है, बट उसका नुकसान ये है कि उसमें अगर एक्सटर्नल कंडीशंस हो गई तो वो सिस्टम बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था एसी का, सपोज एसी ऑन कर लिया लेकिन वहाँ पर कोई भी टेम्परेचर मेजरमेंट का आपके मतलब सेंसर नहीं लगा हुआ, तो हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ टाइम बाद सपोज कोई पर्सन है उसको मतलब बहुत जल्दी मतलब ठंड लगना शुरू हो सकती है, तो वो बहुत मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन कारण वो सिस्टम अच्छा नहीं है। अब क्या होगा, उस पर्सन को याद अगर वो रात में सो रहा है तो उसको उठना पड़ेगा, या तो उसको एसी को बंद करना पड़ेगा, एसी बंद करता है तो गर्मी उसको फिर से लगना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से अगर हमारा अगर यहाँ पर क्लोज लूप सिस्टम हो तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, टेम्परेचर सेंसर फीडबैक लेगा, अब यूज़र अपने अकॉर्डिंग इनपुट दे देगा। सपोज 26 डिग्री तक उसको रखना है, बाहर का तापमान हो रहा है 35-40 डिग्री, 26 डिग्री तक रखेगा, कंप्रेशर चलेगा, ठंडी हवा आएगी, 26 डिग्री जैसी होगा एसी कट ऑफ हो जाएगा, यानी वो कंफर्ट में रहेगा। और हम यही तो बना रहे हैं, हमारा सिस्टम का दरअसल मतलब क्या है कि हम कैसे तरीके से इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमने जिस तरीके से हमने चाहा हमें वो मिलना चाहिए। तो अब जैसे कि ये सामने ओपन लूप सिस्टम का आपका डायग्राम है, इस आप ओपन लूप सिस्टम में देख रहे हैं जैसे कि पहला पॉइंट जो कि मैंने बताया वही मेन इंपॉर्टेंट है। ओपन लूप सिस्टम को OLCS मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, द आउटपुट सिग्नल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज नॉट फीडबैक टू इन्फ्लुएंस द कंट्रोल एक्शन। अब दरअसल फीडबैक दिया किस लिए जाता है, ताकि हमारा जो एक्शन है उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे मैं फिर से वही एसी का एग्जांपल लेता हूँ कि हमें ठंडा करना है रूम को या थोड़ा गर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल एक्शन ऑफ एन OLCS डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट सिग्नल। वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिग्नल के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी एक बार आपने इनपुट दिया दैट्स इट। OLCS आर नॉट केपेबल ऑफ फिल्टरिंग डिस्टर्बेंसेज और नॉइज। हाँ, अगर कोई भी जैसे एक्सटर्नल, मैंने जो बताया कि कोई भी अगर एक्सटर्नल कंडीशन आ रही है या कुछ भी मतलब डिस्टर्बेंस आया, नॉइज़ आया, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि फीडबैक ही नहीं होता, उनका तो काम है जस्ट लाइक मैं फ़ैन का एग्जांपल देता हूँ, वो एक ओपन लूप सिस्टम है। मतलब अगर आप एसी को एक बार के लिए हम छोड़ें तो आपका फ़ैन का क्या होता है, जैसे सिंपली स्विच ऑन किया दैट्स इट, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पीड रेगुलेटर कर पाते हो। अगर सपोज़ अभी जैसे धीरे धीरे बारिश का मौसम हो रहा है, धीरे धीरे मतलब गर्मी कम होना स्टार्ट होगी, तो आप फ़ैन हो सकता है 4 नंबर से 3 नंबर पर लाएँ, फिर आप 2 नंबर पर लाएँ, बट उसकी कोई कंट्रोल नहीं है। सिंपली अगर कोई इन्फ्लुएंस आई या कोई डिस्टर्बेंस आई, अब डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कट होने के कारण आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि इसमें तो आप मतलब वो तो एसी में भी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि अगर हम ऐसा इस तरीके का कंट्रोल दें कि हमारा जैसे इन्वर्टर हो तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे सामने, अब कुछ मैं ब्लॉक समझा सकता हूँ। जैसे आपने इनपुट दिया और ये है इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जैसे कि आप समझते हैं कि ट्रांसड्यूसर के अंदर आपका जो भी सिग्नल होता है उसकी एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो इस माइक्रोफोन की सहायता से ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि इनपुट आपका किस फॉर्म में आ रहा है और उसको कंट्रोलर को किस फॉर्म में चाहिए। मोस्टली हम फिजिकल इनपुट देते हैं, तो अगर कंट्रोलर हमारा इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में है तो वहाँ पर हमें ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। फिर कंट्रोलर आपका वही सिस्टम का पार्ट है, फिर हो सकता है डिस्टर्बेंस, एक मतलब एग्जांपल दिया, हो सकता है डिस्टर्बेंस ना भी हो। फिर ये एक समर है जो कि हमारे ब्लॉक डायग्राम डिटेक्शन में समझ में आएगा आप लोगों को। फिर इन दोनों की मतलब इसका कंट्रोलर का आउटपुट जैसे कि आप देख सकते हैं और ये डिस्टर्बेंस, इन दोनों का ऐड होके फाइनली प्लांट में जाएगा। ठीक है, अब जो भी डिस्टर्बेंस है तो है, यहाँ पर अब प्रोसेस या प्लांट हो रहा है, फिर उसका आउटपुट और डिस्टर्बेंस, फाइनली हमारा आउटपुट। अभी आउटपुट हो सकता है इन डिस्टर्बेंस के ऊपर तो खैर डिपेंड करेगा ही करेगा, हो सकता है इन डिस्टर्बेंस की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो, और हो सकता है कि इन डिस्टर्बेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सेटअप हो गया, चाहे भले किसी का भी एग्जाम्पल हो, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम फाइनली सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, OLCS आर सुटेबल व्हेन इनपुट सिग्नल फॉर सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेटेड एंड डज नॉट चेंज। हाँ, यानी मैंने जैसे कि बताया कि सपोज हमने इनपुट दिया और हमें आउटपुट पता है कि ठीक है इतना आना है, और हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं हमें इसमें चेंजेस करने हैं या कुछ रेगुलेशन करना है, तो उस वहाँ पर हम OLCS यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको डेली लाइफ का,
कि आपको बाइक पार्क करनी है और आपको पता है कि आपकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, तो आपने इनपुट क्या दिया, आपने मैकेनिकल फोर्स दिया, अपनी बाइक को वहाँ ले गए, सिंपली वहाँ पे खड़ा किया, दैट्स इट, वो आपको आउटपुट मिल गया और वो कंटिन्यूसली आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज एक्सटर्नल कंडीशन कैसे आगे डिस्टर्ब है, सपोज किसी ने और ने आकर के वो वहाँ पर बाइक खड़ी कर दी, देन आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर सिस्टम हमारा क्रैश हो गया। तो ये OLCS का मतलब अगर देखा जाए तो सिंपल है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो लास्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस इसका क्या होता है, दैट इज स्ट्रक्चर इज सिंपल, जो कि मैं बहुत बार से रिपीट कर रहा हूँ, कंपेयर टू अ क्लोज लूप सिस्टम। जाहिर सी बात है क्लोज लूप सिस्टम है, उसमें फीडबैक है, मतलब कुछ आउटपुट का पोर्शन वापस इनपुट में जा रहा है, इनपुट साइड में जा रहा है एग्जैक्टली, मतलब मेन इनपुट में नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ब्लॉक्स बढ़ेंगे, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा। और देखा है आप लोगों ने, मतलब देख लिया होगा लेक्चर्स में, जो कि ब्लॉक डायग्राम इंडक्शन टेक्निक में मैंने बताया था, तो इस तरीके से। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जाहिर सी बात है जब ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि उस ब्लॉक को अगर आप ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो चीपर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं फाइनली क्लोज लूप सिस्टम की, जिसकी इतनी एक तरीके से तारीफ सी हो रही है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर का वही सेम है, एक और समिंग जंक्शन आ गया यहाँ पर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो ये आउटपुट है अभी, इनको वो कंट्रोलर और प्लांट और डिस्टर्बेंस, और ये इन ये तो सेम ही है, और ये जो जा रहा है ये फीडबैक जा रहा है, और ये जो सिग्नल है ये होता है एरर और एक्चुएटिंग। एक्चुएटिंग का मतलब होता है कि वो अंदर जो सिस्टम है, मशीन लगी हुई है, प्लांट लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा फिर। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान के चलिए एक डिस्टर्बेंस है, ये एक डिस्टर्बेंस है और एक दूसरा डिस्टर्बेंस ये है, अगर इन दोनों के मतलब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैथमेटिकली हम एक बार बात करें, नॉइस है कुछ भी मतलब सिस्टम के अंदर, तो ये जो आउटपुट जा रहा है ये कंट्रोलर को उसी के अकॉर्डिंग काम कराएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए एसी का मतलब एयर कंडीशनर सिस्टम का ही मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, रूम है लेकिन रूम की विंडोज़ ओपन है, तो वो एक डिस्टर्बेंस हुआ। अब रूम की विंडोज़ ओपन होने से क्या होगा, वो आपके मतलब है ना, जितना आप कूलिंग चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। अब क्या होगा, जब सेंसर के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है आपने सपोज 26 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया हुआ है, अब 26 डिग्री के टेम्परेचर को सेट करने पे भी स्टिल मशीन काम करती रहेगी, वो कभी भी डाउन नहीं करेगी। तो ये वही एरर बता रहा है, मतलब वही एक्चुएटिंग बता रहा है कि आपने इनपुट तो 26 डिग्री के लिए दिया, लेकिन जो मुझे आउटपुट मिल रहा है मतलब उस रूम का टेम्परेचर वो 30 डिग्री है, यानी स्टिल 4 डिग्री का मतलब एरर है। अब वो 4 डिग्री का एरर है तो वो कंट्रोलर को चलाता रहेगा, आपका कंप्रेशर ऑन रहता रहेगा और आपको ठंडी हवा कंटिन्यूसली आती रहेगी। यहाँ पर अब इस डिस्टर्बेंस को के अकॉर्डिंग तो ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना भी मतलब काम करना पड़ेगा कि आपको विंडो क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है डिस्टर्बेंस। लेकिन अगर आप ओपन लूप की बात करें तो डिस्टर्बेंस अगर आप उसको छेड़ें या नहीं करें, ओपन लूप के बस की नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं होता है। तो इसके हम रिगार्डिंग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द आउटपुट सिग्नल ऑफ CLCS यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज फीडबैक टू इन्फ्लुएंस द कंट्रोल एक्शन, मतलब फीडबैक मतलब पीछे वापस दिया जाता है टू इन्फ्लुएंस द कंट्रोल एक्शन, यानी उसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंड इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल रोबोट आर्म्स, वेलोसिटी कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, यानी जो मैंने AC का एग्जाम्पल दिया। However, in practical, यानी practical में बात करें, a combination of both OLCS and closed, मतलब CLCS is normally used. देख लेते हैं, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन की बात करें, आगे हमें मिल जाएगा। तो फॉर example, वॉशिंग मशीन, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप टैंक विद वाटर इज अ CLCS ऑपरेशन, while प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड राइजिंग इन OLCS ऑपरेशन। इसको हम आगे समझाऊंगा मैं आपको। अब चलो देखिए, ये एक टोस्टर है ब्रेड का, सिंपल। अब ये ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, ये ओपन लूप सिस्टम है, क्यों, हमने इनपुट दिया, ब्रेड को पुट अप किया, दैट्स इट फाइनल। और हम आगे देखें, ये आपका कुछ रोबोटिक आर्म टाइप का लग रहा है, ये आपका क्लोज लूप है, क्यों, क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं। AC जाहिर सी बात है क्लोज लूप है। फोटोकॉपी मशीन, इसमें क्या है, आपने इनपुट दिया, सपोज 4 कॉपीज निकालनी है, 5 कॉपीज निकालनी है, 10 कॉपी निकालनी है, आउटपुट दे दिया, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हुआ।
ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये दोनों है। अब ये दोनों कैसे है, देखिए सपोज ये इसका टैंक है, सामने से जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट लोडिंग है। इसके अंदर आप देखते हैं जब आप टैंक फिल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पानी निकल जाएगा, नहीं, एक वाटर लेवल इंडिकेटर होता है इसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इसको करेगा। लेकिन अगर इसकी वॉशिंग और राइजिंग हो रही है उस टाइम ये एज अ ओपन लूप करेगा, क्योंकि इसको सारे पोर्शन को धोना है, समझ में आई बात। तो आज की डेट में डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कि वो ओपन लूप है या क्लोज लूप है। जनरली मतलब मेजर पोर्शन क्लोज लूप का ही होता है, कुछ जगह जहाँ पर एप्लीकेशन के काम में हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। अब इनके ब्लॉक डायग्राम ट्राई कर लो एक बार, चलो देखते हैं ट्यूटोरियल में। अब एक बार हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। टाइप ऑफ सिस्टम यानी OLCS। अब OLCS का एडवांटेजेस क्या है, पहला तो सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, मतलब इजीली हो जाता है और मेंटेनेंस सिंपल होती है, लेस एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है उसके अंदर ब्लॉक्स तो वैसे ही कम होते हैं। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, हालांकि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे और बोलेंगे कि सर क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली जो हम टाइम रिस्पॉन्स में यानी आने वाले एक या दो दिन में जो लेक्चर आएगा उसमें आप समझेंगे कि ओपन लूप सिस्टम को दरअसल जब हम मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो एक पैरामीटर आता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट आप कैसे समझते हैं, मतलब ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल बेसिक होता है, आपने इनपुट लिया आउटपुट लिया, दैट्स इट, बाकी कोई नहीं। हाँ, अगर एक्सटर्नल कंडीशन आ गई तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन ओपन लूप सिस्टम के अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई स्टेबिलिटी का इशू आए। जब तक वो काम कर रहा है तब तक तो बहुत कन्वीनियंटली काम कर रहा है। और आखिरी पॉइंट है, कन्वीनियंट व्हेन आउटपुट इज हार्ड टू मेजर और मेजरिंग द आउटपुट प्रिसाइजली इज इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल। ठीक है, जहाँ पर अगर हमारा कॉस्ट इफेक्टिव या इकोनॉमिकली इशू आते हैं तो वहाँ पर ये कन्वीनियंट होता है। अब हम इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सिस्टम रिस्पॉन्स वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टम रिस्पॉन्स सेंसिटिव हो रहा है और जनरली ये होता है तो वो डिस्टर्बेंस होने के कारण सीधा सीधा क्रैश होगा। मैं तो क्रैश वर्ड ही बोलूँगा, मतलब इंटरनल वेरिएशन सिस्टम पैरामीटर्स की बात कर सकते हैं। रिकैलिब्रेशन इज नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी उसको हमें बार बार एडजस्ट करना होता है, जैसे कि मैंने एसी का आपको एग्जांपल दिया, तो मतलब उसमें हमें उसको मतलब एडजस्ट करना ही होता है। फिर हम आगे देखते हैं, अगला है हमारा इसका एग्जांपल, जैसे टोस्टर का दिखाया है, राइस कुकर का, इलेक्ट्रिक फैन, फोटोकॉपी मशीन, मतलब जहाँ पर भी हमारा फीडबैक नहीं है वो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अब हम थोड़ा सा क्लोज लूप सिस्टम का भी पढ़ लेते हैं। क्लोज लूप तो होता है इनसेंसिटिव टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, मतलब वो इनसेंसिटिव होता है, यानी सेंसिटिव तो दरअसल होता है लेकिन वो सिस्टम को क्रैश नहीं होने देता। मेन चीज सेंसिटिव होगा तो जो एरर या एक्चुएटिंग सिग्नल गया उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिल जाएगा। पॉसिबल टू यूज रिलेटिवली इनएक्यूरेट एंड इनएक्सपेंसिव कंपोनेंट्स टू ऑब्टेन द एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ अ गिवन प्लांट। दरअसल क्या होता है कि सपोज मान के चलिए अगर कहीं मतलब किसी पोर्शन में सिस्टम के हमारे अगर हमें वहाँ पर इनएक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है इनएक्सपेंसिव चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट लीनियर नहीं होगा। लीनियर मतलब हम जितना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो अगर लेकिन हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन हमने ऐसा सेटअप कर रखा है जो कि थोड़ा सा बेटर है और वो हमने मतलब हमारे वो एरर के फॉर्म में देख रहा है उसको, तो वहाँ से हम इस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं, यानी हम एक ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। फिर अगला है बेटर कंट्रोल ऑफ ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये आगे की यूनिट का है। इंक्रीज एक्यूरेसी, जाहिर सी बात है एक्यूरेसी बढ़ेगी, और इंक्रीज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस आउटपुट विथ वेरिड इनपुट, ठीक है। और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, रिस्क इनस्टेबिलिटी, हाँ अनस्टेबल होने के चांसेस होते हैं, कैसे ये हम मैथमेटिकली देखेंगे। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में आपने देखा होगा नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, किस तरीके से हम फाइनली मतलब 5, 10, 12 जो भी ब्लॉक्स हैं उनको एक सिंगल ब्लॉक में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, पोजिशनिंग CS, मतलब कोई भी अगर हम रोबोट की आर्म की बात करें, वेलोसिटी यानी व्हीकल्स के क्रू सिस्टम में, टेम्परेचर यानी एयर कंडीशन जिसका तो मैं लगातार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारे क्लोज लूप सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं।
आगे का अगर हम देखें एग्जाम्पल, जैसे कि एक और ये लास्ट एग्जाम्पल है क्लोज लूप का, स्टेयरिंग कार ऑन अ कर्व रोड, इसका ब्लॉक डायग्राम देखो आप। मतलब कार को ए जैसे आपसे एयर हो रही है, बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, जैसे कि आप देख रहे हैं डिजायर डायरेक्शन। डिजायर डायरेक्शन मतलब कार को इस डायरेक्शन में मूव करना है, ये एरो है, और एक्चुअल डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब क्या होगा इसका हम ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं कि वो उसको रोकेगा कैसे। देखिए कंट्रोलर तो कौन है, ड्राइवर, और एक्चुएटर कौन है, स्टेयरिंग मैकेनिज्म यानी जो कि स्टेयरिंग है, और जो प्रोसेस कौन कराएगा फाइनली, जो गाड़ी के अंदर इंजन है ऑटोमोबाइल। अब क्या होगा डिजायर्ड फोर्स, मतलब उसने डिजायर्ड मतलब जिस मूवमेंट मतलब उसकी आंखों ने देखा कि मुझे इतनी गाड़ी मोड़नी है, ठीक है। ड्राइवर ने देखा सपोज गाड़ी मोड़नी है 10 डिग्री और 10 डिग्री नहीं लेके चलो 30 डिग्री तक गाड़ी मोड़नी है, मतलब स्टेयरिंग को घुमाना है राइट साइड में, राइट साइड एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ड्राइवर ने देखा, उसने मूव कराया स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा, काम करेगा अपना, और ऑटोमोबाइल मतलब इंजन की सहायता से टायर को वो आगे मतलब देगा। अब होगा क्या, एक्चुअली वो देखेगा कि ये क्या है, एक अंदाजा होता है। अब इस अंदाजे में क्या होता है कि 5 डिग्री मान के चलो मूव हुआ, तो मतलब ये एरर गया 5 डिग्री का, मेजरमेंट विजुअल यहाँ पर गया 5 डिग्री का। अब क्या करेगा, मतलब वो ड्राइवर के दिमाग में जाएगा कि यार मेरे को 10 डिग्री मूव करना था लेकिन मैं 5 डिग्री है, तो वो थोड़ा सा और स्टीयरिंग को टिल्ट करेगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हुआ, यानी एक बेहतर से बेहतर स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। तो स्टूडेंट अभी तो मैं यहीं के लिए स्टॉप कर रहा हूँ इस चीज़ को, आगे हम एग्जाम्पल और देखेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इशू हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास में सर जैसे जियो का फ़ोन है, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखा, या फिर वो उन लोगों को इशू आ रहा है कि मतलब हमारे पास में इंटरनेट का भी दिक्कत है, या फिर किसी के पास में बेसिक फ़ोन भी है, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि भगवान करे कि ये फटाफट एक तो ये चीज़ें रिकवर हो जाएँ आपकी नॉर्मल क्लासेस हों, नहीं हो रहा है तो अभी जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इस लेक्चर को मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, तो मतलब वो इस लेक्चर को मैनेज कर लें, देख लें, और जितने भी मेरी क्लासेस है उसमें मैं सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप का, क्योंकि बाकी तो मैं ई लेक्चर कर रहा हूँ अपलोड, और उन ई लेक्चर में आप लोग मतलब उनको देखते रहें और इससे रिवीजन करते रहें। मतलब रेयर चांस होगा कि किसी का लॉस होगा, ये मेरी इतनी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो अपना स्टूडेंट ध्यान रखें, और मेन चीज़ जैसे आप लोग जैसे दीपक कुमार सैनी, अब जैसे एक नया मतलब सेकंड नंबर पे नाम है गेमिंग टेक्नो नीरज, अब ये मैंने आपको कल गाइडलाइन दी थी कि गेमिंग टेक्नो नीरज ये इस तरीके की यूज़र नेम ना रखें, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा मतलब ये एक ऑड लगता है, आप लोग अब मतलब इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के ही, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मतलब बच्चों वाले ठीक है, आप अपने जो भी कर रहे हैं साइड में रखें, लेकिन क्लास के टाइम पर इस तरीके के नामों को नहीं यूज़ करें। और किसी को अगर नॉइज़ में या कुछ और इशू हुआ है तो वो मैं देख लेता हूँ, जैसे अविनाश ने बोला कि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो दरअसल ये आप लोगों की साइट पे ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 25-26 Mbps का इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। जैसे सतीश ने बोला, ठीक है, और एक कोई DDC डांसर राहुल, ये बिल्कुल ही गलत नेम है, आप अपने लेवल पे करें इस चीज़ को, तो आप मतलब इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से नहीं करें कि मतलब किसी का नाम आ रहा है, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना ध्यान रखें और आगे के लिए मतलब प्रिपेयर रहें, ठीक है। और किसी को भी कोई इश्यू हो तो वो ज़रूर मतलब वीडियो जो आप देखते हैं उस पर कमेंट्स करें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं ग्रुप में हूँ तो आप सबको पता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। अभी हम क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, थैंक यू।